खुली फ़ा में उनकी डेड बॉडी को रख देते थे। जब उनकी ये छील खोए वगैरह उसकी गोश्त वगैरह ख़त्म हो जाती थी अच्छा। तो उसकी हड्डियों को उठा के एक मर्तबान में रख देते और उसी मर्तबान को फिर दफना देते। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वही मर्तबान है जिसमें उसकी हड्डियाँ वगैरह दफना के और फिर उसी को दफना देते। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे वादी सिंध की तहजीब कहते हैं तो इससे रिलेटेड हैं। और ये डॉक्टर मार्क किनार एक वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने अमेरिका हिस्ट्री से उन्होंने यहाँ पे डोनेट की है। आज से तकरीबन ये 4,500 साल के पुराने। रिसेंटली हमने हज़ारे के मुख्तलिफ मकाम पर हमने वो की है, खुदाई की है और इसकी जो एंटिक्विटी है वो अभी तक एक प्रोसेस के उसमें है, लेकिन वो जल्दी इंशाल्लाह यहाँ पे आके हम डिस्प्ले करेंगे। ये एक ज़माने में बड़ी मार्केट थी और यहाँ से जो ये हाथ की जो बनाए हुए जो चीज़ें थी खूबसूरत जो खिलौने वगैरह थे तो ये पूरे हिंदुस्तान में जाती थी, वहाँ पे लोग इसको खरीदते। सितार की भी दो किस्में हैं, एक को हम चित्राली सितार कहते हैं इसको अच्छा। और एक को हम पेशावरी सितार कहते हैं। पेशावरी सितार का जो डोल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और सितार भी काफ़ी इस लिहाज से लंबा होता है ना, तो उसकी आवाज़ भी ज़्यादा होती है। ये जो आप देख रहे हैं तो ये सितार है, ये चित्राली सितार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सिकंदर खान खलील। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ हज़ारा कल्चरल म्यूज़ियम में जो कि हज़ारा यूनिवर्सिटी में वाक़ हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के नवादरात हैं, तारीख़ी लिहाज से भी, कल्चरल सकाफ़ती लिहाज से भी और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम घरेलू इस्तेमाल में भी जो तकरीबन हज़ारों साल पुरानी जो चीज़ें हैं वह यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूज़ियम हैं जनाब मेहर रहमान खलील साहब, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे मज़ीद इस म्यूज़ियम के बारे में, इसकी तारीख के बारे में और यहाँ पर कितनी चीज़ें और कितनी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। इस म्यूज़ियम के बारे में बताइएगा कि इसकी संग बुनियाद कब रखी गई और किस तरह माइंड में आया कि हज़ारा कल्चर म्यूज़ियम की ज़रूरत यहाँ पे पेश आई। अच्छा, ये डॉक्टर एहसान अली साहब जो थे एक्स वाइस चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के, तो वो ख़ुद भी एक वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट थे, पूरी दुनिया में उनको पहचाना जाता है जी। तो वो जब यहाँ पे वाइस चांसलर बने तो उन्होंने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना ही आर्कियोलॉजी, और आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के साथ चूँकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक म्यूज़ियम भी हो बिल्कुल, तो उन्होंने इसलिए यहाँ पे एक म्यूज़ियम का की संग बुनियाद रखी। सिर्फ यहाँ ही नहीं, एबटाबाद में भी एक म्यूज़ियम है जो दोनों हमारे हज़ारा यूनिवर्सिटी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंदर। म्यूज़ियम की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्यों हम इन चीज़ों को अपने पास रखते हैं या इनको डिस्प्ले करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि ये म्यूज़ियम जो हमने बनाई है तो इसीलिए बनाई है कि हम हज़ारा में जो हज़ारा की कल्चर है उसको हम प्रिजर्व कर लें, आने वाली नस्लों के लिए उसको हम महफूज रखें। अच्छा, दूसरी आपने जो कहा कि म्यूज़ियम की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो जो कौमें अपनी अकदार को, अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को, अपनी रिवायत को भुला देती हैं तो वो हिस्ट्री तारीख भी उनको भुला देती हैं, तो इसलिए हमने म्यूज़ियम यहाँ पे बनाए हैं ताकि हज़ारा के लोग बिलखसूस और बिलमूम पूरे पाकिस्तान और केपीके के लोग अपनी अकदार को, अपने रिवायात को और अपने कल्चर को न भूलें और उसी की रोशनी में मुस्तकबिल का सफ़र जारी रखें। सर, आपके पास इस म्यूज़ियम में सबसे कदीम पुराना ऑब्जेक्ट क्या है जो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं? अच्छा, हमारे पास चूँकि इस म्यूज़ियम की उसको पूरे म्यूज़ियम को हमने दो बड़ी गैलरीज में डिवाइड किया है, एक को हम आर्कियोलॉजिकल गैलरी कहते हैं और दूसरे को एथनोलॉजिकल कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल वो है जो आर्कियोलॉजी के हवाले से जो हमने ख़ुद खुदाई करके मुख्तलिफ जगहों पर निकाली है या किसी दूसरे उसने डोनेट किए हैं तो वो पुरानी हो आर्कियोलॉजिकल उस हिसाब से आते हैं तो वो यहाँ पर हमने रखी है। इसके अलावा जो गैलरीज है तो उसको हम एथनोलॉजिकल कहते हैं, मतलब सकाफती विरासत जिसे कहते हैं, तो इसमें फिर मुख्तलिफ छोटी छोटी गैलरियाँ हैं तो वो दूसरे वहाँ पे रखी हैं। यहाँ पे जो आपने कहा कि सबसे पुरानी जो चीज़ है तो ये तो हमारे पास ये जो आप एंटिक्विटी देख रहे हैं ये है अच्छा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे वादी सिंध की तहजीब कहते हैं तो इससे रिलेटेड हैं। और ये डॉक्टर मार्क किनार एक वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट है, उसमें अमेरिका एक यूनिवर्सिटी से विस्कॉन्सिन से, तो उन्होंने यहाँ पर डोनेट की है। तो ये इसकी तकरीबन डेट जो है वो 2500 BC है, तो आज से तकरीबन ये 4,500 साल के साढ़े चार हज़ार साल के बाद हमारे पास एक दूसरा जो दौर आता है उसको हम गंदारा ग्रेव कल्चर कहते हैं। ये गंदारा ग्रेव कल्चर सिर्फ हमारे केपीके में या अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में है और पंजाब साइड पे हमें अभी तक इसके कुछ आसार कहीं पे वो लोग कहते हैं कि हैं लेकिन पूरे आसार हमें नहीं मिले। ये एक दौर था जो इंडस वैली के बाद एक दौर आता है, ये 1800 BC से लेके 1800 कबल मसीह से लेके 600 ईस्वी तक इनका एक पूरा दौर है। और इन लोगों के ये है कि ये अपने मुर्दों को दफनाते थे और उनके साथ उनकी इस्तेमाल की चीज़ें रखते थे। हाँ। तो ये उनके दफनाने के मुख्तलिफ तरीके होते थे, कभी उसको ऐसे ही दफनाते थे जिस तरह हम दफनाते हैं, कभी उसको
बिठा के दफनाते थे, कभी उनको जलाते थे जिस तरह हिंदू जलाते हैं वो भी जलाते थे, कभी इस तरह करते थे कि इनको खुली फ़ज़ा में उनकी डेड बॉडी को रख देते थे, जब उनकी छील खोए वगैरह उसकी गोश्त वगैरह ख़त्म हो जाती थी अच्छा। तो उसकी हड्डियों को उठा के एक मर्तबान में रखते थे और उसी मर्तबान को फिर दफनाते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वही मर्तबान है जिसमें उसकी हड्डियाँ वगैरह दफना के और फिर उसी को दफनाते थे अच्छा। हाँ, ये आपका ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इसी की ओरिजिनल हालत में है कि ये किस हालत में हमने वो इसको निकाला अच्छा, आपको इस हालत में मिली लेकिन अभी उसकी फिर आप लोगों ने मुरम्मत की है और फिर दोबारा बनाए हैं, तो ये इस हालत में ये इसी की तस्वीर है? नहीं, वो वाली अच्छा वो वाली है अच्छा। इसमें कुछ स्केलेटन वो भी है? हाँ, इसमें है लेकिन ये हमें मानसेरा से कहीं से मिली थी सर्वे के दौरान। जिस तरह नाम से वाजह है कि हज़ारा कल्चरल म्यूज़ियम, तो क्या इसमें सिर्फ हज़ारा कल्चर के हवाले से चीज़ें हैं या तारीख के हवाले से कहीं ओवरऑल इसमें चीज़ें हैं? नहीं, असल में हज़ारा कल्चरल है, हज़ारा कल्चर नहीं है अच्छा। हज़ारा कल्चरल म्यूज़ियम है तो इसका मतलब है कि हज़ारा के अंदर जो कल्चरल चीज़ें हैं या हमारे सराउंडिंग में मालेकंड में है या हज़ारा में है या चित्राल में है या मुख्तलिफ़ जगहों पर जो हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई हैं, चूँकि कल्चर तकरीबन सेम है जिससे पहले, मतलब हज़ारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले का जो कल्चर था वो सेम था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं ताकि ये कल्चर का एक वो नज़ारा हो यहाँ पे। इधर जो जितने भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो तारीख के लिहाज से भी सकाफत के लिहाज से भी हैं, ये स्टूडेंट्स लेकर आते हैं या आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं एक्सकवेशन करते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, या आप लोगों को लोग डोनेट करते हैं? अच्छा, इसकी तीन कैटेगरीज हैं। एक तो हम सर्वे करते हैं मुख्तलिफ इलाके की, जाके जो सरफेस कलेक्शन होती है हमारे, मतलब कहीं पे कोई टीकरी मिल जाए, कहीं पे कुछ छोटी सी बुत मिल जाए या काइंस वगैरह मिल जाए, तो वो हम लेके यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम खुद खुदाई करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं। जो रिसेंटली हमने हज़ारा के मुख्तलिफ मकामात पे हमने वो की है, खुदाई की है, और इसकी जो एंटिक्विटी है वो अभी तक एक प्रोसेस के उसमें है, लेकिन वो जल्दी इंशाल्लाह यहाँ पे आके हम डिस्प्ले करेंगे। एक वो है, और फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि लोग डोनेट भी करते हैं, कोई स्टूडेंट्स आके डोनेट करते हैं या वैसे ही लोगों के पास चीज़ें पड़ी हो तो वो आके डोनेट करते हैं। अभी आपके पास करंटली इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो आपके स्टूडेंट के ही प्रोजेक्ट हो या इन्होंने एक्सकवेशन की हो रही तो फिर ला के डिस्प्ले की हो? जी बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत है और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई की है, जिस तरह टेक्सला में हमने की है, बादोडेरे एक यहाँ पे एक साइट है यूनिवर्सिटी के पास ही, वहाँ पे की है, और जरडेरी में की है, और एक यहाँ पे दूसरी एक मुस्लिम आर्कियोलॉजी की साइट है वहाँ पे हमने की है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं।